नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। हमारे सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो राम की नगरी अयोध्या में आज यानी 11 नवंबर को दीपोत्सव पर बड़ा कीर्तिमान स्थापित एक बार फिर होने जा रहा है। पूरी अयोध्या में लगभग 25 लाख दिए जलाने का इस बार रिकॉर्ड बनेगा। इस दौरान सिर्फ राम की पैड़ी पर 51 घाटों पर 21 लाख से ज्यादा दिए जलेंगे और दीपोत्सव पर आज एक बार फिर राम नगरी अयोध्या एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। दीपोत्सव का कार्यक्रम राम की पैड़ी पर होगा, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट के कुछ मंत्री भी शिरकत करेंगे। सूरज ढलने के बाद राम की पैड़ी परिसर में 21 लाख दीपक एक साथ प्रज्वलित किए जाएंगे, जबकि अयोध्या के बाकी मठ मंदिर और अन्य स्थानों को मिलाकर 25 लाख के करीब दिए जलाए जाएंगे। वहीं दीपोत्सव को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो दीपोत्सव पर इस बार फिर से अयोध्या में एक नया कीर्तिमान बनेगा और इस वक्त पूरे अयोध्या में राम राज्य की एक तस्वीरें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और अब से थोड़ी ही देर बाद का वो समय होगा जब सीएम योगी आदित्यनाथ भी राम की नगरी अयोध्या में पहुंच जाएंगे। वहीं इस दीपोत्सव के कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से लेकर जो तमाम कैबिनेट के मंत्री हैं, नेता है, वो भी दीपोत्सव के कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिए मौके पर मौजूद रहेंगे। तो अयोध्या में 11 नवंबर यानी कि आज के दिन आज शाम 7वीं बार दीपोत्सव होगा। लगातार 6 बार से दीपोत्सव का कार्यक्रम देखने को मिलता है और इन 6 बारों में हर बार नया कीर्तिमान स्थापित होता है। इस बार 7वीं बार दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा और राम की पैड़ी के 51 घाटों पर 21 लाख दीपक जलाए जाने का विश्व रिकॉर्ड इस बार बनना है। इसके लिए 24 लाख दीपक बिछाए गए हैं। इससे पहले आज सुबह रामायण के प्रसंग पर आधारित झांकियां निकाली गई हैं। अयोध्या की तस्वीरें कैसे हैं, राम राज्य की तस्वीरें इस वक्त ऐसी देखने को मिल रही है और तमाम तस्वीरें इस वक्त हमारे सहयोगी शक्ति मौके पर मौजूद है, जो लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सीधा रुक करते हैं शक्ति का। शक्ति, देखिए आज राम राज्य की एक और तस्वीर अयोध्या से सामने आएगी और आप इस वक्त मौके पर मौजूद है, कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं शक्ति? यहाँ पे प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में जो भी है यहाँ पे सब राममय हो गए हैं। और अभी कुछ ही देर पहले, 1 घंटे पहले यहाँ पे बारिश हुई है जो पूरी अयोध्या को पवित्र कर दिया। प्रभु श्री राम जी के आगमन में पूरी अयोध्या दुल्हन की तरीके सजा दी गई है। हम खड़े हैं राम की पैड़ी पर, आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो दीप है उनमें तेल डाले जा रहे हैं। दीपों को प्रज्वलित करने की जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं और झांकियां जो है वो लगातार निकाली जा रही है। ठीक है, देखिए शक्ति, आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि तैयारियां चल रही हैं, आपके पीछे कई लोग भी मुझे मौजूद नजर आ रहे हैं, एक बार उनसे बातचीत करिए कि वो इस दीपोत्सव को लेकर कितने ज्यादा उत्साहित और क्या कुछ तैयारियां उनके तरफ से की गई हैं। अगर दीपोत्सव की तैयारी की हम बात करें तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। बेटा कैसा लग रहा है यहाँ दीपोत्सव पे आके, तैयारियों के बारे में बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के लिए और यहाँ पर आने में बहुत अच्छा लग रहा है। जो इस बार का कीर्तिमान है वो स्थापित हो रहा है तो प्रभु श्री राम जी का आगमन हो रहा है, उस पर क्या बोलेंगे? तो बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ के मोदी जी बहुत अच्छे हैं, जो यहाँ पर मतलब उनका मंदिर बनवा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम हमारे कैमरामैन से बोलेंगे हमारे साथ में आएंगे और बात करेंगे। यहाँ पे बच्चे जो है दीपों में तेल वगैरह है वो डाल रहे हैं और बच्चे हैं यहाँ पे, हम बात करेंगे कुछ और बच्चों से। बेटा क्या नाम है आपका? संध्या। कहाँ से हैं आप? मानापुर सर, अमोना माधव सर बोधा इंटर कॉलेज। तो आपके स्कूल की तरफ से ये जो तैयारी की गई उसके बारे में क्या कहते हैं? सर जैसे कि यहाँ पे हम लोग आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, सर मैम ने बोला है। अगर खाने पीने की बात करें तो वो किस तरीके के इंतजाम है यहाँ पे आप लोग? अच्छा है यहाँ पे, यहाँ की जो सब्जी थी बहुत अच्छी है। अच्छा, जैसे कि यहाँ के जो कमांड कर रहे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। आपका क्या नाम है? जी अखिलेश कुमार मिश्रा, घाट प्रभारी 47 नंबर घाट, माधव सर्वोदय महाविद्यालय। तो यहाँ की तैयारियों के बारे में अगर बात करें तो किस तरीके की तैयारियां यहाँ पे? तैयारियां बहुत अच्छी हैं सर, साफ सफाई बहुत अच्छा है, दीपक भी लग गया, हम लोगों को 60,000 दीपक लगाना है और इसमें बात डाल के इसको टाइम से जलाना है। दीपक जो लगाने की तैयारी वो कितने सालों से कर रहे हैं? ये सर हम 3 सालों से लगातार आ रहे हैं अपने विद्यालय के बच्चों को लेकर, इस साल हम 3री बार आए हैं और अभी सारा प्रोग्राम इसी चल रहा है। पिछले साल हम लोगों को बगल वाला घाट मिला था, इस साल इधर मिला है।
जैसे कि अगर हम घाटों की बात करें तो जितने भी घाट हैं, छोटे बड़े घाट जितने भी हैं, मठ मंदिर जितने भी हैं अयोध्या में, वो पूरा खचाखच भरा हुआ है वॉलंटियर से। और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। दीपोत्सव की तैयारी के बारे में अगर पूछा जाए तो किस तरीके की तैयारी? बहुत बढ़िया तैयारी है। ये सातवीं बार दीपोत्सव मनाया जा रहा है। 2017 से हम लोग लगातार मना रहे हैं। अभी तक हमारी ड्यूटी कनक भवन में लगती थी, पहली बार हम लोग यहाँ पे लगाए गए हैं। घाट नंबर 46 पर महाराजा इंटर कॉलेज लगाया गया है। हमारे यहाँ से 200 बच्चे आए हुए हैं, सारे अध्यापक आए हुए हैं, हम लोग लगातार। अच्छा, जैसे कि खाने पीने के इंतजाम की अगर हम बात करें तो किस तरीके के इंतजाम? बहुत बढ़िया व्यवस्था, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आप ही बगल में दो तीन जहाँ भोजन की व्यवस्था है, बगल में भोजन व्यवस्था। हमारे 200 बच्चे थे, हजारों बच्चे भोजन कर रहे हैं। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के इंतजाम बिल्कुल सही है। एनसीसी बच्चे हमारे महाराजा इंटर कॉलेज में एनसीसी बच्चे वो भी लगे हुए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सब बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, जो भी धार्मिक नगरी में जो भी और लोग आ रहे हैं वो भी बड़े आराम से आ रहे हैं, कोई दिक्कत सुरक्षा संबंधी बिल्कुल नहीं। जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है, जो सुरक्षा की व्यवस्था है यहाँ पे बहुत चाक चौबंद है। सुरक्षा की व्यवस्था किया कि जो मौसम का मिजाज है उसमें भी काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश तो कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आज अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म से लेकर उनके वनवास तक की झांकियों का भी जिक्र किया गया, उसकी तस्वीरें कैसे देखने को मिली अयोध्या में? जी, मौसम की अगर हम बात करें यहाँ पे अयोध्या में, तो अयोध्या का मौसम बहुत सुहावना हो गया है। प्रभु श्री राम जी के आगमन की जो तैयारी है वो भव्य होने वाली है, और प्रभु श्री राम जी को पूरी अयोध्या ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे देव पूरी अयोध्या को बारिश करके पवित्र कर दिए हैं गंगा जल से। ठीक है शक्ति, देखिए लगातार आप तस्वीरों के जरिए हमको समझा रहे हैं कि दीपोत्सव की तैयारी को लेकर के क्या कुछ लगातार जो बच्चे हैं वो मेहनत करते हुए नजर आते हैं। लेकिन शक्ति देखिए, एक चीज बहुत यहाँ अहम हो जाती है, 2024 में राम मंदिर आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अगर हम राम मंदिर की प्रगति की बात करें तो किस तरीके से राम मंदिर की प्रगति और निर्माण कार्य अभी तक किया जा रहा है? अभी तक निर्माण कार्य किस स्तर तक पहुंच चुका है? निर्माण कार्य की अगर हम बात करें तो राम मंदिर का जो निर्माण है वो लगभग कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे जो रोड है और जो लोगों की दुकानें चौड़ीकरण की जा रही थी वो भी बहुत जोरों शोरों से लगे हुए हैं, लगभग वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। हम यहाँ की तैयारियों की अगर बात करें तो जितनी तैयारियां हैं वो लगभग तक कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि जनवरी में प्रभु श्री राम जी का स्थापना होना है यहाँ पे। तो जो तैयारियां प्रशासन जो है वो बहुत जोरों शोरों से लगा हुआ है, यहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था जो है बहुत चाक चौबंद है यहाँ पे। ठीक है, देखिए शक्ति, लेकिन प्रशासन तो पुख्ता इंतजाम करता हुआ नजर आता है, और ये सातवीं बार दीपोत्सव बेहद धूमधाम से आयोजित हो रहा है जिसकी तस्वीरें आप लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और अमूमन देखा गया है कि दीपोत्सव के दौरान लेजर शो का भी आयोजन होता है। इस बार क्या कुछ दीपोत्सव के साथ अलग देखने को मिलेगा राम की नगरी अयोध्या में? शक्ति, लेजर शो जो है बहुत बड़ी एलईडी लगाई गई है, स्क्रीन लगाई गई है, उसके द्वारा जो दीपोत्सव है वो दिखाया जाएगा। लेजर शो है वो लगातार चल रहे हैं। इस बार कुछ नया हो रहा है कि जो लेजर शो लगाए जा रहे हैं वो प्रतिदिन दिखाए जाएंगे लोगों को दीपोत्सव के बाद से। जैसा कि दीपोत्सव का माहौल आज दीपोत्सव के दिन देखने को मिलेगा, उसी तरीके से जो लेजर शो की तैयारी है वो भी प्रतिदिन, जैसे जो भी जनता आ रही है यहाँ पे प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने वो भी लाइव देख सकती है डेली। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद शक्ति हमारे साथ तमाम तस्वीरें और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, दीपोत्सव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, और इस वक्त पूरे अयोध्या में राममय माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज शाम को एक बार फिर अयोध्या एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। लगातार सातवीं बार इस दीपोत्सव का आयोजन होगा, और ये दीपोत्सव बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि अगले साल जो राम मंदिर है वो लोगों को सौंप दिया जाएगा, लोगों के लिए राम मंदिर के कपाट खुल जाएंगे। एक सदियों का जो इंतजार, जो बरसों का इंतजार है, अब वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2024 की जनवरी का वो महीना होगा जब राम मंदिर, या यूं कहे कि रामलला को विराजमान करती हुई वो जो तस्वीरें हैं वो सामने आएंगी। उसके बाद ही राम मंदिर लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये जो भव्य दीपोत्सव है इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है, क्योंकि सातवीं बार आयोजित होने वाले इस दीपोत्सव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम में, साथ ही जो भी वॉलंटियर्स की जिम्मेदारी उनको दी गई है, सभी वॉलंटियर्स जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए नजर
आते हैं और आज देर शाम का वो वक्त होगा, वो तस्वीरें होंगी जब एक बार फिर से राम की नगरी अयोध्या में एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। हमारे एक बार फिर से सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।